प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करने के लिए जनपद के संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता की। इस दौरान मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा कि 19 अक्टूबर से स्कूल को खोले जाने के पहले स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाए। इसी के साथ प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव आर के तिवारी ने शासन द्वारा जारी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये सर एक पराली प्रबंधन को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है चीफ सचिव, तो ये चार सर्वाधिक है NCR के, फिर ब्लैक योजना है, फिर NCR की हॉट स्कॉट योजनाएं हैं और इसमें सर कोविड में है सर, तो यहाँ हमारे यहाँ का कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है सर। 19 तारीख से खुलने वाले हैं, एक हफ्ते का समय अभी से कम समय ही है विद्यालयों की सफाई की, क्योंकि इतने दिनों से विद्यालय बंद है तो सकता है कहीं घास खड़ी हो, कहीं धूल जमा हो, शौचालय हो सकता है गंदे हो, विद्यालय भी पूरी तरह स्वच्छ हो जाए ताकि जब भी छात्राएं आए उन्हें पूरी तरह स्वच्छ मिलेगा। कहीं रास्ते या इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, जंगली स्थिति ना लगे, ठीक है ये शो कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि स्वयं इंस्पेक्शन कर लीजिए, अधिकारी आपके इंस्पेक्शन कर लें, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के अधिकारियों से करा दिया जाए और कुछ फोटोग्राफ भी मंगाए जाए उसके सफाई हो रही है, वीडियोग्राफी भी की जाए, जितने शासकीय कार्यालय है उनकी सफाई भी की जाए, उसमें जो भी पुराने रिकॉर्ड पुरानी पत्तावली रखी हुई है अगर उनकी ड्यूटी करनी है अभी अभी मैं गौतम को बोल रहा हूं समय सीमा पूरी कर लिया है तो उसको भी निकाला दिया जाए, जितना भी टूटा फूटा फर्नीचर और सामग्री इस तरह की होती है उसको निकाल दिया जाए, कार्यालयों में भी स्वच्छता रहे। बाहर आने वाले हैं त्योहारों में लोग घरों की सफाई करते हैं तो हम अपने कार्यालयों की सफाई भी और अपने सारे शासकीय भवनों की सफाई भी करें। इसके अलावा भी गई हैं, एक तो गाइडलाइंस भी ओपन करने के बारे में इशू की गई हैं, एक पर्वों के बारे में इशू की गई हैं कि पर्व किस तरह से मनाए जाएं ताकि पर्व भी मनाना संभव हो और संक्रमण भी ना हो, ये बहुत चुनौती होगी, इसको जरूर बहुत ध्यानपूर्वक सुनिश्चित कर लिया जाए। मीडिया में अभी भी कई बार नेगेटिव स्टोरीज आती है, उनके बारे में शासकीय पक्ष नहीं जाता है, शासकीय पक्ष भी जाए उसमें कि शासन ने क्या कार्रवाई की है, ये बार बार कहा जा रहा है इस बात को, लेकिन अभी भी कई जिलों में इस चीज की कमी अनुभव की जा रही है। तहसील दिवस और थाना दिवस शुरू हो गए हैं, इसमें बहुत पुरानी पुरानी जन शिकायतें पड़ी हुई हैं, मैं समझता हूँ एक अभियान चला लें और इस महीने के अंत तक इंश्योर कर लें कि कम से कम सभी गांवों में फरासत की कार्रवाई पूरी होगी लेकिन एक डिटेल का हर विभाग को काम करना है, जो भी विभाग
महिलाओं के विरुद्ध वहाँ अपेक्षा ये है कि जिलाधिकारी और अध्यक्ष स्वयं जो है जाएंगे और पीड़ित पक्ष तो जिलाधिकारी और अधीक्षक को तत्काल घटनास्थल को देखना चाहिए और पीड़ित पक्ष है उनसे संपर्क करके जो भी उचित कार्रवाई है वो तुरंत करनी चाहिए और तुरंत तो अभियुक्त है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो आप सभी को मालूम है पिछले दो वर्षों से पर्यावरण को लेकर के और प्रदूषण को लेकर के शीतकालीन समय की आगमन हो रहा है उसमें समस्या बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या जो प्रदूषण का जो मानक है उनमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें जो और अब ये खरीफ फसलों की कटाई भी शुरू हुई है, विशेष रूप से धान की कटाई हो रही है, गन्ने कटाई भी हो जाएगी और जाड़ों में वैसे भी एक टेंडेंसी होती है कि अलाव जलाने की आ जाए तो इसमें अभी ये तक भी साजिश बनी हुई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अक्टूबर महीने के 10 दिनों में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर पराली या वेस्ट जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और जबकि सुप्रीम कोर्ट से सोमवार सुनवाई हो चुकी है, आगामी 16 तारीख को फिर मेरी नियुक्ति सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट इस आश्वासन में भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि पिछले 4 सालों से घटनाएं कम हुई। उनका कहना यह है कि हमें घटना हमारा लक्ष्य घटना कम करना नहीं है, हमारा लक्ष्य घटनाओं को शून्य करना है। और अगर आपकी प्रशासनिक मशीनरी अक्षम हो इस बारे में तो हमें बता दें कौन कौन लोग अक्षम है ताकि वो खिलाफ बता दें।